हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आप सबके लिए पूरी आलू की सब्जी। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पूरी आलू की सब्जी। इसके लिए मैंने ये 3 बड़े आलू ले लिए हैं, इसको इस तरीके से हमने काट लिया है। तो सबसे पहले गैस पे हमने पैन रख दिया है और उसमें हम इस पैन में हम 3 चम्मच हम 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हो जाएगा तो इसमें हम आलू डाल देते हैं। अब इसमें आलू डाल दिए हमने, इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर देना है। जो जो मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब लोग देख सकते हैं वहाँ से। आप इस तरीके की सब्जी ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसमें मैंने बीच में जगह बना दी है, इसमें मैं स्पाइसेस डालूंगी। ये हमने ग्रेटेड अदरक है, इसको मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये जीरा पाउडर है, क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून। ये धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून लिया हुआ है। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। ये हमने मिंट लीफ ली है, ये 1 टेबल स्पून है, हमने अच्छे से क्रश कर दिया था। ये चिली फ्लेक्स है 1/2 टेबल स्पून। मिर्चा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये ड्राई मैंगो पाउडर भी मैंने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है। अभी मैं ये हम चिली हैं 2 ग्रीन चिली चॉप्ड, ये डाल दिए हैं हमने इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूंगी। जब सब्जी अच्छी खासी पक जाएगी तब मैं नमक डालूंगी। बाद में नमक डालने से खुल के टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सबको, स्पाइसेस को आलू में। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि सूखी ही सब्जी बना रहे हैं। इतना पानी डालना है कि आलू अच्छे से गल जाए। वैसे फ्राई करने में ही आलू 50% से ज़्यादा पक जाता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको 2 मिनट तक कुक करते हैं। ये अब मैं कुक करने के बाद अब मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैं अपने अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून मैंने डाला है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको चलाएंगे, फिर 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर अब 1 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, ये आलू अच्छे से पक चुके हैं। ये एकदम आलू तैयार हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर आया हुआ है। अब पूरी की जल्द से जल्द तैयारी कर लेते हैं। ये हमने प्लेन फ्लोर लिया है, 1/2 टेबल 500 ग्राम फ्लोर है और ये घी है। ये हमने एक परात लिया हुआ है, उसमें ये 500 ग्राम मैदा डाल दिया है। अब इस मैदे में ये मैं घी डालूंगी 1 टेबल स्पून। ये नमक है 1 टेबल स्पून, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सूजी है 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड करेंगे। सूजी डालेंगे तो थोड़ी क्रिस्पी कुरकुरी पूरियाँ होंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो तैयार कर लेना है। टाइट डो इसका रहेगा पूरियों का। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटे को गूंदेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो आटा गीला हो सकता है। अच्छे से गूंदना है आटे को, इसकी कंसिस्टेंसी टाइट ही रहेगी जैसे मैं दिखा रही हूँ। देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी रहेगी, ये अच्छे से गूंद गया है आटा। इसको अच्छे से गूंद लिया है मैंने। अब इसको रेस्ट करने के लिए रखते हैं 15 मिनट तक। इसकी देखिए आटा एकदम तैयार है। अब 15 मिनट तक इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, फिर बाद में चेक करेंगे। अब 15 मिनट हो गए, ये देखिए एकदम अच्छे से आटा तैयार है। इसको 1 मिनट के लिए और गूंद लेंगे। इसको बाद में 1 मिनट और गूंदने से ये होता है कि पूरी बहुत फूली फूली निकलती हैं। अब इन सब आटा तैयार है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं ताकि पूरियां तल सकें, पूरियां बनाएं।
इसी तरीके से सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। ये देखिए तैयार हो गया है। अब मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। ये सारे तैयार हो चुके हैं बॉल्स। अब मैं बेल लेती हूँ पूरी बॉल्स को, पूरी के शेप में। इसमें आटा नहीं लगाना है, आटा लगाएंगे तो मतलब अच्छी नहीं बनेंगी पूरियाँ। आटा इतना टाइट होता है कि डो इतना टाइट तैयार होता है कि आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसे ही इसको बेलेंगे, आसानी से बेल जाएगी। इसी साइज में बेलनी है पूरी, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसी तरीके से सारी तैयार कर लेनी है। ये मैंने बेल ली है। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उस पर एकदम तेज़ हाई फ्लेम पे ही पूरियों को फ्राई करना है। मैं टेम्परेचर दिखा देती हूँ, एकदम हाई फ्लेम है, अच्छे से पूरियों के लिए तैयार है। ऑयल ऑयल हो चुका है। अब इसमें पूरियाँ फ्राई करना शुरू करते हैं। ये मैंने डाल दी हैं पूरियाँ, आप सब लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सभी को पूरी आलू पसंद होता है। ये देखिए अच्छे से फूल रही हैं पूरियाँ। इसे दबा दबा के फ्राई करेंगे, अपने आप फूलेंगी। एकदम क्रिस्प दिख रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं पूरियाँ। ऐसे ही सारी फ्राई कर लेंगे। मैं आपको दो तीन करके बता रही हूँ कि कितनी आसानी से पूरियाँ तल सकते हैं। आप एक साथ दो तीन भी डाल सकते हैं। मैं एक एक फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। इस तरीके की आलू पूरी की सब्जी बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा टेस्ट लगा आलू की सब्जी का और पूरी का। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए खूब अच्छे से फूली हैं पूरियाँ, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप सब लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है, टेक्सचर। इसी तरीके सारी पका लेनी है। ये हमारी आलू की सब्जी, आलू पूरी की सब्जी रेडी है। ये सब आप सब लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। आप सब लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।